एक से 10 जून तक हो रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में उतरे किसान सीटू के बैनर तले गल्ला मंडी में किया विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर देश भर के कई राज्यों में किसान आंदोलन पर हैं। एक ओर जहां किसान ने गांव से जाने वाले फल सब्जियों दूध की आवक पर रोक लगा दी है, तो वहीं जगह जगह सरकार का विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। पिछले साल अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों पर हुए गोलीकांड में शहीद हुए किसानों की पहली बरसी मनाकर किसानों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। किसान कर्ज माफी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराए जाने और सरकारी मूल्य में वृद्धि जैसी प्रमुख मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं गल्ला मंडी में अव्यवस्थाओं और मंडी के सुधार की बातें भी किसानों के द्वारा कही गईं। आगे की कार्रवाई यही है, 10 जून तक हम लोग करेंगे प्रोग्राम। 10 जून के बाद निर्णय लेंगे कि अगला आंदोलन क्या होगा, कि हम लोगों को रोड में आना पड़ेगा, कि हम लोगों को भी इसी तरह शहीद होना पड़ेगा। जब तक हमारी सरकार ये मान नहीं लेती है कि स्वामीनाथन आयोग पूर्णतः हमको अच्छा चाहिए, कर्ज माफी टोटल चाहिए। अभी रामजीत भैया हमारे बोल रहे थे 5,000 रुपये पर किसान को हमको पेंशन चाहिए, ये हमारे मांगे हैं। बाकी क्षेत्रीय मांगे हैं हम लोगों की रीवा के, जैसे मंडी की अव्यवस्थाएँ हैं, मंडी सुधार की जाए, और ये आवारा पशुओं की है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं गाँव मेरी माता है, ये अपने महतारिन का बांध है, किसानों के गुरु न खवा लें। हमारे तीन मुद्दे महत्वपूर्ण है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की जाए, और सरकारी कृषि मूल्यों का त्वरित उठाव हो, मंडियों में किसानों की लूट ना हो, और जो हमारे 60 साल से ऊपर किसान हो गए हैं उनको न्यूनतम 5,000 रुपये पेंशन दी जाए। ऐसे किसान जो अधिया तिघरा बटाई में खेती करते हैं, शासन की किसी योजना का लाभ नहीं पाते हैं, ऐसे किसानों को भी सारी सुविधा, बीमा, मुआवजा और बिक्री की उनको भी सुविधा प्रदान की जाए। अब ये जो नई घटना घटी मंदसौर में, जो जिन किसानों को गोली मारा गया, आज भी वो तो शहीद हो गए, पैसा भी मिला, लेकिन मुद्दे आज तक जीवित है। हम सारे किसान संगठन मिल करके उन्हीं मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिन मुद्दों पर हमारे किसान नेताओं ने कुर्बानी दी है, वो मुद्दे आज भी ज्वलंत है, और इस संघर्ष को और तेज किया जाएगा,